तो यूपी के चंदौली से खबर आई है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई है। वहीं परहापुर पोलिंग बूथ पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। चंदौली में ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर दलित की उंगली पर जबरन स्याही लगाने का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि दलितों को वोट देने से रोकने के लिए जबरन स्याही लगाई गई है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विशाल, क्या कुछ और खबरें आ रही हैं? और पूर्वांचल की जो 13 सीटें वहां से चंदौली से, जैसे कि मैंने ये खबर शेयर की, और उसके अलावा आपके पास क्या खबर है? देखिए सचिन, चंदौली में सुबह से ही आज समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीजेपी के द्वारा चंदौली के कुछ इलाकों में जो दलित वोटर है उनके उंगली में जबरन स्याही लगाई जा रही है ताकि वो वोट ना दे पाए, दलितों को वोट करने से रोका जा रहा है। और इसके साथ ही साथ विजुअल्स समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग को भेजा, जिस पर SDM जो कि चंदौली के, उनका ये कहना है कि फिलहाल जो शिकायत है वो थाने में दर्ज कर ली गई है और ये जो मतदाता है जिनकी उंगलियों पर स्याही लगाई गई है वो दोबारा वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो वोट दे सकते हैं। और इसी के बाद से चंदौली में बवाल हुआ है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की है। आपने बाकी और 13 सीटों के बारे में पूछा, इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं। बनारस में लगातार मतदान चल रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पोलिंग बूथ पर मौजूद है कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। श्रीकांत जी, आप यहां के मुख्य पुजारी हैं, किस तरह का मतदान काशी में फिलहाल चल रहा है और कैसा लग रहा है इस बार का माहौल? लोकतंत्र के महापर्व को वैसे भी 7 वार में 9 त्योहार की मान्यता रखती है काशी, और इस लोकतंत्र के महापर्व पर सभी लोग बड़े उत्साह से, उमंग से, उल्लास के साथ मतदान करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं भी अपना मतदान करके अभी अभी आया हूं, और सबसे ये निवेदन है कि जरूर कोई घर से बाहर निकले मतदान करे। युवाओं के मुद्दे बनारस में क्या रहे, कितना बदला बनारस, किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं इस बार? यहाँ पे तो बहुत बदलाव हुआ है, और यहाँ पे जो 5 साल पहले आए होंगे उसके बाद जो अभी आए हैं वो देखेंगे तो उनको खुद समझ में आया कितना बदलाव हुआ है। और आज हम प्रातःकाल जो है 5:30 बजे ही अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच गए थे, क्योंकि प्रथम चरण से अंतिम चरण तक इंतजार करते करते हमसे रहा नहीं गया और 5:30 बजे हम पहुंचे ताकि हमारा पहला मतदान हो, और हमने जाकर के पहला अपना मतदान दिया अपने बूथ पर। ये है युवाओं का जोश, ये है युवाओं के अंदर उत्साह मतदान को लेकर, 5:30 बजे से लाइन में लगे हैं। और पूर्वांचल की 13 सीटों पर लगातार आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि जिस तरह का मतदान हो रहा है, मतदान प्रतिशत ठीक जा रहा है। और बनारस में तो खास तौर पे आप देखेंगे शहनाई के साथ में, ढोल नगाड़ों के साथ में मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। तो पूर्वांचल का गणित यहीं से तय होगा, आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है। मोदी काशी का मॉडल लेकर ही पूरे देश भर में आगे बढ़े, और इसीलिए कहते हैं विशाल कि पूर्वांचल जिसने फतेह किया मतलब यूपी फतेह किया, और यूपी फतेह करने का मतलब तो सब जानते हैं कि दिल्ली पर अगर जाना है तो यूपी फतेह करना होगा। आप बने रहिएगा विशाल, आपका रुख फिर से हम करेंगे। तस्वीरें बहुत दिलचस्प लगातार निकल कर आ रही है। पंजाब से एक बड़ी खबर इसी बीच आई है, जहां के जालंधर में मतदान के दौरान दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आज जालंधर के लड़ोई गांव में अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के पोलिंग स्टॉल पर तोड़फोड़ की, इसका आरोप भी लगाया। गांव के लोगों ने बीच बचाव भी किया। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत की है। ये अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। 7वें और आखिरी चरण का मतदान जारी है। ये पंजाब के जालंधर से खबर आई। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से पोलिंग बूथ एक दूसरे के पोलिंग बूथ पर जाकर मारपीट का आरोप तो लगाया है। 13 हैं पंजाब की, 13 हैं और पश्चिम बंगाल की 9 हैं। नेहा जोशी ने हमें ज्वाइन किया है। नेहा, गुड मॉर्निंग। 11 बजे से ऊपर का वक्त तो चला है, शाम को एग्जिट पोल तो जो कहेगा कहेगा, लेकिन अब तक आपके पास कुछ इंटरनल फिगर्स या कुछ अपनी रिपोर्ट्स क्या कुछ आ रही है? देखिए सचिन, हमारी इंटरनल रिपोर्ट तो ये कह रही है कि जिस तरीके का सेंटिमेंट आप अभी जो विजुअल्स दिखा रहे थे, जिस तरीके का देश का युवा और महिलाएं, खासकर मैं इन दो कंस्टिट्यूएंसीज को अलग से एड्रेस करना चाहती हूं, जिस तरीके से महिलाएं, जो काम मोदी जी ने किया है, युवा जो काम और पॉलिसीज मोदी जी लेके आए पिछले 5 सालों में, जिस तरीके से उन्होंने एक मोमेंटम बनाया है मोदी जी के फेवर में, उसका रिजल्ट हम 23 तारीख को देखेंगे जब पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। तो हमें बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, एग्जिट पोल आते जाते रहेंगे, लेकिन हम कॉन्फिडेंट है। देखिए फिगर हमारे अध्यक्ष जी दे सके जो कहें कि 300 पार हम लोग कर रहे हैं बीजेपी अपने आप, सो मैं भी उसी फिगर को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंडर करंट ठीक है। मैं अब बीजेपी तो इंटरनल ऑब्वियसली अपने आप को खुद सेल्फ मेजोरिटी में देखेगी, देन व्हाई देयर इज अंडर करंट? चंद्रबाबू नायडू मिलते हैं केजरीवाल से, कांग्रेस की बैक फाइटिंग भी पीछे से शुरू है कि कोई भी कुछ आ जाए कि पहले तैयारी कर लो, कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं आना पाए
कि कोई हमारे में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो वहां पर एनडीए में जा सकता है। सचिन ऑपोजिशन भी तो चाहिए, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग कमेंट नीतीश कुमार का भी हुआ कि एक थर्ड पार्टी थर्ड वैगन की भी तैयारी, उसमें भी कई सुगुगाहट है। देखिए ऐसा है कि भारत का ये बड़ा हाई स्टेक्स इलेक्शन है और भारत की अगर आप पिछले चुनावी प्रक्रिया देखें जो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ये अनयूजुअल नहीं है कि लोग एक साथ आए, पर यहाँ दो ही तरह के वोटर लग रहे हैं मुझे, एक है जो मोदी लवर्स हैं और एक है जो मोदी हेटर्स हैं। कोई ऐसा वोटर नजर नहीं आ रहा जो ऑपोजिशन लवर है। ये एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो क्या सिर्फ मोदी को, जैसे बैंगलोर में हमने कर्नाटक में देखा, मोदी को नहीं चाहता वो ऑपोजिशन लवर ही तो हुआ ना फिर? नहीं नहीं, जैसे हमने कर्नाटक में देखा था कि मैंडेट तो ले आई बीजेपी पर सरकार नहीं बना पाई, उस तरह की कोशिशें चल रही हैं। पर एंड में नंबर काउंट करेंगे, 272 इज द होली ग्रेल ऑफ दिस इलेक्शन। अगर वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में हुए, सचिन आपने जो कमेंट किया ना कि जो मोदी ने को नहीं चाहता वो ऑपोजिशन लेवल हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भी कह रहा है विकल्प क्या है, राहुल गांधी और नया जोशी कर्नाटक है ना। पर सीपी सिंह, नया जोशी जो भी कहें, लेकिन ऑपोजिशन की तैयारी तो यह है ना कि टॉप पर भले भारतीय जनता पार्टी हो जाए लेकिन विनर नहीं होगी। जो कर्नाटक में हुआ, नीचे के सारे अगर मिल गए तो भी टॉपर होकर के अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो उसका बेनिफिट थोड़ा ना होगा। यही तैयारी विपक्ष की पहले से चल रही है। देखिए विपक्ष की तैयारी तो ऐसा नहीं है कि उसको भाजपा सरकार में नहीं आए, विपक्ष का है कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इस लिहाज से जो मेरी समझ है, विपक्ष से बड़ा स्टार प्रचारक मोदी का कोई है ही नहीं। किसी के खिलाफ आप बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे इसका मतलब आप उसका प्रचार कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप मोदी विरोध में कब देश विरोधी हो गए आपको पता ही नहीं चला। नंबर तीन, जो चुप्पा वोटर है जिसने पिछली बार लालू को वोट दिया, मुलायम को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, आज आप पूछिए वो बोलता अभी देखा नहीं है, अभी बताएंगे आपको। ये जो चुप्पा वोटर है इसको मिला है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो पहले नेता बाबू दलाल की तिकड़ी थी उस तिकड़ी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने तोड़ दिया है, और ये चुप्पा वोटर मोदी को मिलेगा, बीजेपी को नहीं। ठीक है तौसीफ, इस वक्त टीएमसी के सपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ फिर अगर विपक्ष इतना एकजुट है और टीएमसी को भी कोई डर नहीं, हर हमने दौर में देखा इतनी हिंसा क्यों? टीएमसी पर एक बार फिर से आरोप लग रहा है कि ज्यादा वोटिंग टर्नआउट ना हो जाए, क्योंकि कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण दोनों जगह से तस्वीर है। हमने राहुल सिन्हा भी कह रहे थे लोगों को रोका जा रहा है, टीएमसी के कार्यकर्ता रोक रहे हैं कि वोट, फिर डर किस बात का? देखिए सेंट्रल फोर्स है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग चाह रहे सुबह से जाकर के वोट दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि टीवी में अगर कोई लोग आकर के इल्जाम लगाते हैं कि रोका जा रहा है तो उनको जाना चाहिए। वहां पे सेंट्रल फोर्स है, पुलिस है, हर कोई है, आप जाइए बिल्कुल आसानी से वोट दिए। सुबह से एक रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि ईवीएम काम नहीं कर रही, ये जो कि ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या कर रहा है। 100 से ज्यादा ईवीएम के लगभग काम नहीं कर रही है, मैल फंक्शन कर रही है, कभी कहीं देर से स्टार्ट हुआ है वोटिंग, लोग सुबह से जाकर के वेट कर रहे थे, 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट शुरू होना था तो 7 के बजाय 7:30 कहीं पे 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, टाइम लगा है ईवीएम को स्टार्ट होने में, काम करने में, तो इस तरह की परेशानी आ रही है। वरना तो शांतिपूर्वक वोटिंग, मैं भी सुबह में गया 8:30 के टाइम में मैं वोट दिया हूं, तो इस तरह की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कलकत्ता शहर में जहां तक बात है सेंट्रल फोर्सेस सब जगह पे हैं, अगर कि कोई ऐसे हैं जो तो सिर्फ, लेकिन जो एक भी चरण में किसी भी फेस में बिना हिंसा के संपन्न नहीं हुआ मतदान, और ममता बनर्जी तो कानून व्यवस्था की दुहाई देती रही है हमेशा से। नहीं देखिए अभी कानून व्यवस्था, अभी सारा अरेंजमेंट, सारी पुलिस, सारी फोर्सेस सब इलेक्शन कमीशन के अंदर में। तौसीफ अहमद खान, गलतफहमी मत फैलाइए, पोलिंग प्रोसेस पोलिंग बूथ पर शुरू और खत्म नहीं होता है, पोलिंग बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस लगे हैं, सड़कों पर कौन है, आपके टीएमसी के गुंडे हैं और वो पुलिस है जो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के कंट्रोल में काम कर रही है। थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाइए,
ये गलतफहमी फैलाई हुई है पहले दिन से। सेंट्रल फोर्सेस केवल पूरी बूथ को मैन करती है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी की सरकार रिस्पॉन्सिबल है। इस्तीफा दे देना। चिल्लाने से देखिए भाजपा और कांग्रेस पूरे देश में चुनाव से रहे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी साथ में है और तृणमूल के जो महिला वाहिनी है, महिला गुंडा है, वो लोग अपना मुंह को कवर करके ये लोग छप्पा वोट दे रहे हैं। हम जब पहुंचे स्पॉट में तो उनका चोरी पकड़ा गया, इसीलिए वो अभी कैवस क्रिएट कर रहे हैं। महिला जरा आछेन तारा मुखे कापड़ दिए तारा एखाने सबई होच्छे एंटी सोशल एवं तारा ई शहीद स्मृति प्राइमरी स्कूले तारा प्ল্যান্ড ওয়েতে আমাকে এখানে ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এবং সমস্ত মহিলা বাহিনীর মুখে কাপড় ডাগানো। ওনারা যদি অতটাই সৎ এবং ভোটার হতেন জেনুইনলি, তা নিজের আইডেন্টিটি লোকাতেন না, সমস্ত মহিলাদের মুখে কাপড় বাঁধা। ঠিক আছে, কমসেকম লেফট তো বিজেপি কা নই না। আগর আপ কে রে বিজেপি কো হ্যা उनके अपने पोलिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे थे, कम से कम लेफ्ट बीजेपी का नहीं है। अब लेफ्ट के लोग भी कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग वहां पर मौजूद हैं, कुछ गुंडे वहां पर मौजूद हैं, और डायमंड हार्बर की खबर थी कि लगातार वहां पर पोलिंग से रोका जा रहा है, और कुछ टीएमसी के अपने कार्यकर्ता हैं जो कि भेष बदलकर वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं पोलिंग कर रहे हैं, और उनको जब रोका गया तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। ये तस्वीर इस वक्त वहां से आती हुई, एक छोटा सा ब्रेक, लगातार ये कवरेज जारी। साथ ही साथ ये आपको बताते चले, आज शाम को महा एग्जिट पोल 5 बजे से 5 onwards आप देखिएगा जी न्यूज पर। 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान जारी है और लगातार ये कवरेज भी जारी। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहा है। और एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के दिगंगा नूर नगर पंचायत के 90/91 पोलिंग बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता शिबू घोष के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगा है। शिबू घोष को लहूलुहान हालत में 12/7 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक बड़ी खबर आपको बता दे, लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबर आ रही है। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह से राहुल सिन्हा पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन जो पत्थर फेंका गया था सचिन, वो एक पत्रकार को लग गया और वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ था। ठीक है, शिबू घोष को लहूलुहान हालत में भर्ती करवाया गया अस्पताल में। तौसिफ, खुद ब खुद को घायल कर लिया क्या शिबू घोष ने? नहीं नहीं, देखिए इसमें हंसने वाली तो बात है नहीं। ये जो महाशय आपके साथ में अभी मैंने कान से आवाज से सुना कि कोई हंस रहे थे, ये शर्म आना चाहिए। आवाज सुनाई दे रही है, कोई वहां पे जो नरसंहार हो रहा है वो नहीं सुनाई देता इनको, चाहे वो बीजेपी। अरे मैडम, आप थोड़ा सा रुकिए ना, आप क्यों बीच में उपाकट होकर के बोलने लगती है? पहले मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। तो से मेरा सवाल, मेरा सवाल आपने नहीं समझा। आप कह रहे थे ना हंसने की बात, मेरा सवाल ये था, इससे पहले की हिंसा को तो आप ये कह रहे थे ना बीजेपी का प्रोपेगेंडा, बीजेपी की चीज। तभी मैंने कहा ना कि शिबू घोष अगर लहूलुहान हालत में अस्पताल में भर्ती होता है तो शिबू घोष ने खुद को घायल कर लिया। देखिए मेरी बात तो मैं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो बीजेपी का वर्कर हो, सीपीएम का वर्कर हो, कांग्रेस का वर्कर हो, तृणमूल का वर्कर हो, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। और कहीं भी अगर इस तरह की हिंसा वाली घटनाएं होती है उसकी निंदा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना बहुत चाहिए। अच्छा लग रहा है, आप अगर ऐसा कह रहे हैं, अगर कहीं पे अगर इस तरह की इंसिडेंट हुई है, इसको आपको रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट होना चाहिए। बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक साइड झगड़ा कर रहा है। हिंसा की निंदा करने से कुछ नहीं होगा। आप नाम के पुलिस चीफ ने सुप्रीम कोर्ट में हटा दिए उसकी प्रोटेक्शन, टेलीविजन पे बैठ करके सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम लेती है। अरे जो आप तृणमूल के कार्यकर्ता का भी नाम आप लीजिए, क्या ऐसा नहीं है? कार्यकर्ताओं ने ही हिंसा की है, वही कह रही हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके नाम मुझे नहीं पता, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, यही तो आपकी परेशानी है, पुलिस ने छुपा लिए। आप भक्ति में देखिए, भक्ति में आप एकदम ही एक तरफा हो गए, डिवाइडेड हो गए, आपको सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, आपको सिर्फ, आपको टीवी में आके सिर्फ यही बोलना है कि तृणमूल मारपीट करती है बीजेपी नहीं करती। इसके बाद बंगाल आपको माफ नहीं करने वाला है, याद रखिएगा ये बात।
देखिए देखिए, आप चाहे जितनी दफा ये बात टीवी में आके बोल ले, बंगाल की जनता समझती है कि कोई भी बंगाली का हिम्मत नहीं होगा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को जाकर तोड़ेगा। ये बाहर के लोगों का काम है और बाहर के लोग अमित शाह की रैली में आए थे। बंगाल बाहर के लोग बनर्जी सोच रही है कि ये बांग्लादेश चला गया, ऐसा नहीं है। नहीं, जिन लोगों ने ये कह रहे हैं कि कोई बंगाली हिंदू नहीं करेगा लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या करेगा, क्योंकि उनको मूर्ति त्रोणिंग की बचपन से ट्रेनिंग दी गई है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, धन्यवाद आपका। आप अपने वर्ड्स देखिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इन तस्वीरों के साथ जो कि इस वक्त बद्रीनाथ से आ रही हैं। जी, ये तस्वीरें बद्रीनाथ से इस वक्त आ रही हैं, पीएम मोदी की तस्वीरें, और इन तस्वीरों से टीएमसी को ऑब्जेक्शन भी था नया, जिसका आपने जिक्र किया था कि टीएमसी ने ऑलरेडी कहा कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, वोटर को। देखिए, आज विचलित कौन हो रहा है ये हम सब देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी श्रद्धा को लेकर बाबा केदार और बद्री धाम गए, तो आज देखिए पूरा ऑपोजिशन, मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है कि अपने बिलीफ को जागृत करना, जाके बाबा केदार की बद्री धाम में पूजा अर्चना करना जैसे गुनाह हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने तो चार्टर प्लेन करके नहीं दिया किसी न्यूज एजेंसी को कि आओ मुझे